उथे लै गया अक्सा कि बालन पे मैंने लिया चुका के ले गया उनकी ताया कितने बालन दे बिच करके पिया है बचाले जाके लै गया मूँह घोट लिया यदि आवाज नहीं निकल दी थी बोश हो गई अद्धा घंटा बोश रही है चुक के बहर लिया है होश आई है इन मोटरसाइकिल बहा के लिया है घर आई मैं अक्सा तेन की होया करो तो तू ठीक गई है एक टुरया नहीं जाता तू डिग दी मैनू डर दी दस नहीं इनू इन धमकी लिया कि जे तू दसिया तेनू भी मारू तेरी माँ भी मार देने घरे जाके ना नहीं लैना तू मैं इन पुछती रही इन्हें दसा नहीं कि अम्मी आंदा सी मैं तेनू भी मार देना तेरी माँ भी मार देना ना ना लई करे जाके मैनू बोश हो गई सी मेरे मुँह अगे हाथ इन्हें दे लिया मैंने इन आवाज नहीं निकल दी तो फौजों ने तो बाहर ही भाग गया से जान नहीं दिता झूठ मार के लै गए अच्छा सुनन चाहंद है कि इतने जानवर भी ज्यादा करता रहा बिलकुल भी इन्हें अपनी भैन मार दी आदि सक्की धी मारी गुंगी सी बोली सी 12 साल उसकी उम्र सी उहदे नाल जाती की वह बीमार हो गई उन्होंने हस्पताल नहीं लेके गया आप ही बोतल लिया के आप ही उन्होंने ला देनी वह बच्ची मार गई 10-12 दिन बाद आपकी भैन इन्हें मार दी इन्हें जानवर ने फल छोटे छोटे मार दिते खोतियां इन्हें नहीं छड़िया किसी को नहीं इन्हें माफ़ी दी घमियारा ना मुंडा सी 8-10 साल का वो इन्हें जाती की उन्होंने उस पिंड ने कट दिता इंसान जो के बाप का दर्जा रखने वाला था जो के ताया था जिसने अपनी सगी भतीजी को भी ना छोड़ा और यहाँ पे देखा जाए तो अहले इलाका का कहना है कि वो यहाँ पे जानवरों से भी ज्यादती करता रहा है और अपनी सगी बहन से भी उसने ज्यादती की है। तो आइए चलते हैं उस अक्सा से मिलते हैं जिसके साथ ज्यादती हुई है। सराय मुगल के इलाका में मैं इस वक्त उस बच्ची के साथ मौजूद हूँ जिसके साथ उसके ताया दरिंदा सिफ्त शख्स ने उसके साथ ज्यादती की है। आइए उस बच्ची से जानते हैं ये वाकया कैसे पेश आया। जी क्या नाम है आपका? और कैसे ये वाकया पेश आया और कैसे आपका ताया आपको लेके गया? घर से ले गया था लहसुन गोड़ने के लिए। वहाँ जाकर लहसुन गोड़ा तो कहता हम पट्टे का है बड़े ते केंद्र है उठाना पलक नहीं और चुक ले एक मार भी चो ले आ गया तो जाकर मैं चिक्का मारे तो कहता चुप कर गमल गंदे गाला कर दा सी मैं वास्ते पांदे जो उन्हें नहीं छुट्टे फिर जैसे बाहर निकले फिर मेरी शलवार कौन वाली बड़गी कहता तोला वो चीन ने तो आ ली कर रही तो मैंने पूछा तो मैं दस दिता सी मीन तारने किता तो फिर दूसरे दिन नंदा फरा दिता से अम्मी मेरी क्या ने मेरे मामे ताया मेरे मामे मामी आईया सी बार बार पुलिस लैके आई सी ते उन्होंने फिर किन फरा दिता सी। आपका सगा ताया था और पहले कभी उसने इस तरह आपके साथ कोई हरकत करने की कोशिश की थी? नहीं कभी नहीं की थी। कल ही लेके गया आपको? हाँ कल ही। इसके साथ उनकी वालदा भी मेरे साथ मौजूद हैं। ऐसे दरिंदा सिफ्त अगर शख्स माशरे में होंगे तो हमारा वज़ीर आज़म किस तरह मदीना की रियासत बना सकेगा? उनकी वालदा से जानते हैं इस हवाले से वो क्या कहती हैं, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। उनकी बेटी की ज़िंदगी इस वक्त दांव पे लग चुकी है, मासूम बच्ची 10 साल बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। जी आप क्या कहेंगी इस हवाले से? मेरे मैं तो यानी कि फांसी लग जाए झूठ बोल के लै गया मेरे को मेरे ना काम करा दे बच्चा मरिया 10-15 दिन हो गए असं सोचे चलो कला रह गया काम करा दिया करो ताडा ताया पट्ठे पुट्ठे लिया दिया करो नाल उत्थे जिहड़ी पोतरी सी छोटी जी उहनूं बा गया आंदा भी तू इत्थे बह छोटी ते कोई बालन नहीं चकाया जाणा अक्सा वड्डी है इह चका लिया वे कमाद काफ़ी वड्डा वड्डा सी 10-12 किले कमाद दे उत्थे लै गया आंदा अक्सा इत्थे बालन पिया मैनूं लिया चका के ले गया उहदी ताया कित्थे बालन दे थैग नहीं आंदा विच करके पिया है विचाले जाके लै गया मूँह घोट लिया यदि आवाज नहीं निकल दी थी बोश हो गई अद्धा घंटा बोश रही है चुक के बहर लिया है होश आई है इन मोटरसाइकिल बहा के लिया है घर आई मैं अक्सा तेन की होया करो तो तू ठीक गई है एक टुरया नहीं जाता तू डिग दी मैनू डर दी दस नहीं इनू इन्हें धमकी लिया कि जे तू दसिया तेनू भी मारू तेरी माँ भी मार देने घरे जाके ना नहीं लैना तू मैं इन पुछती रही इन्हें दसिया ने कि अम्मी आंदा सी मैं तेनू भी मार देना तेरी माँ भी मार देना ना ना लई करे जाके मैंने बोश हो गई सी मेरे मुँह अगे हाथ इन्हें दे लिया मैंने इन आवाज नहीं निकल दी तो फौजों ने तो बाहर ही भाग गया से जान नहीं दिता झूठ मार के लै गए। अच्छा सुनन चाहंद है कि इतने जानवर भी ज्यादती करता रहा? बिलकुल भी इन्हें अपनी भैन मार दी आदि सक्की धी मारी गुंगी सी बोली सी 12 साल उसकी उम्र सी उहदे नाल ज्यादती की वह बीमार हो गई उन्होंने हस्पताल नहीं लैके गया आप ही बोतल लिया के आप ही उन्होंने ला देनी वो बच्ची मार गई 10-12 दिन बाद आपकी भैन इन्हें मार दी
इन्हें जानवरों के फल छोटे छोटे मार दिते, खोतियां इन्हें नहीं छड़िया, किसी को नहीं इन्हें माफ़ी दी। घमियारा ना मुंडा सी 8-10 साल का, वो इन्हें जाती की थी, उन्होंने उस पिंड ने कर दिता, इस पिंड आ गए, इतने आन के भी यही काम रहा, किसी को माफ़ी नहीं दी इन्हें। इस वक्त वो मासूम बच्ची मेरे साथ मौजूद है जो इस वक्त बिलक रही है, आने वाली उसकी जिंदगी उस शख्स ने तबाह कर दी जी। और देखा जाए तो बाप का दर्जा रखने वाला इसका सगा ताया था, तो बेटा जब आपको लेके गया तब आपने उसे कहा नहीं कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने कहा था हम कहाँ लेके जा रहे, कहता वहाँ से लकड़ी उठाने जा रहे हैं हम, तो मैंने कहा कहाँ से था, उसने मेरी बाँह पकड़ ली, उसने मेरी बाँह छोड़ी, वहाँ जाकर मेरे मुँह कोट लिया, तो मैं चीखा को मारने से उन्हें मैंने छड़े नहीं, और गंदियाँ गालें कर दी ऐसी माँ भैन जे। फिर मैं घर आ के पहले मैं दसा डर दी, कहना तेन भी मारा तेरी माँ ने जे तू घर ना लिया था, मैं मां ने मैंने दस तो बाद फौजी आई तो मम्मी ने उन्होंने पूछा तो उन्हें आखा बाजी पता नहीं मैंने से आया ने कहता सी दादा कहता सी हकीन दा उ आराम दो लकड़ियाँ चुक ल गया तो फिर हकीन मम्मी मैंने पूछा फिर मैं दस दिता मैं तैन मेरे साथ की गल कर दस। और इसके साथ आप इस वक्त उस जो दरिंदा सिफ्त शख्स को क्या चाहती हैं, क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? फांसी लग जाए ना सरकार आवे ना सी नी शक्ल वे नी। नाजरीन आपने उनकी वालदा और उस बच्ची की जो दाद सुनी, इसको उनका यही कहना है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसे फांसी लगा दी जाए, क्योंकि रिश्ते में देखा जाए तो इनका सगा ताया लगता था और माशरे में ये जो दिन ब दिन आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, उनकी वजह ये है कि हमारे हुक्मरान इन दरिंदा सिफ्त शख्स को जो सज़ा नहीं दे पा रहे, उनको सरेआम सज़ा नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आए रोज़ ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। और ये कसूर में पहला वाक़या नहीं, ये तकरीबन हज़ारों की सैकड़ों की तादाद में ऐसे वाक़यात पूरे पाकिस्तान में हो चुके हैं, लेकिन इनका अजाला नहीं हो चुका जी।